मुंबई मतलब माया नगरी अक्सर अपनी चमक दमक के कारण पूरे देश में छाई रहती है। पर मुंबई और मुंबई पुलिस उस वक्त एकदम पूरे देश की सुर्खियों में आ गई जब मुंबई पुलिस ने बिजनेसमैन और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये खबर चारों ओर फैली तो पूरी दुनिया लग गई सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर मुद्दा क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो ये मामला सुर्खियों में छा गया। 19 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पेशी पर ले जाते समय राज कुंद्रा से मीडिया ने कई सवाल किए पर उन्होंने किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने दावा किया कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी पॉन्ड फिल्मों के जरिए ना सिर्फ मोटी कमाई कर रहे थे बल्कि उन्होंने देश के कानून को गच्चा देने के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा था। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये राज खुला कैसे। मुंबई पुलिस ने इस सिलसिले में इसी साल 4 फरवरी को एक केस दर्ज किया था जब एक लड़की ने मुंबई के मालवाणी थाने में इस रैकेट के बारे में एक शिकायत दर्ज करी थी। शिकायत में बताया था कि कैसे कुछ लोग फिल्मों और OTT में काम दिलाने के नाम पर लड़कियों को अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी के साथ ही अश्लील फिल्में शूट कर मुंबई के कई धंधेबाज मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मलाड वेस्ट में एक इलाके में बंगले पर छापा मार कर जिसे किराए पर लेकर पॉर्न फिल्मों की शूटिंग की जा रही थी उस पर छापेमारी करी। इस छापेमारी में एक बॉलीवुड की अभिनेत्री समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को तभी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के बारे में सुराग मिल गए थे लेकिन पुलिस ने उन पर हाथ डालने से पहले अपने सबूतों को और पुख्ता करना चाहा। पुलिस की जानकारी के मुताबिक उनके पास राज कुंद्रा से जुड़ी कई और जानकारियां उपलब्ध हैं। इसमें पीड़ित लड़कियों के बयान, व्हाट्सएप चैट और मौजूद फिल्मों और राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार का पूरा लेखा जोखा है। अब सवाल यह है कि आखिर राज कुंद्रा जैसा सेलिब्रिटी अश्लील फिल्मों के कारोबार से क्यों जुड़ गया। तो इसका जवाब जानने के लिए अश्लील फिल्मों की इंडस्ट्री से जुड़ा एक फैक्ट आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अश्लील फिल्मों का टोटल कारोबार जो है वो $100 बिलियन का है, यानी लगभग 740 करोड़ रुपए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, पूरी दुनिया में 250 लाख अश्लील वेबसाइट हैं। ये आंकड़ा दुनिया की कुल वेबसाइटों का करीब 12% है। इन वेबसाइट्स पर लोग 10 मिनट और 13 सेकंड का वक्त गुजारते हैं, ये औसतन है। भारत में ये औसत 8 मिनट 23 सेकंड का है। पूरी दुनिया में अश्लील फिल्में देखने में अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद जापान है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है और चौथे नंबर पर कनाडा आता है। मुंबई पुलिस का दावा है कि दौलत का लालच कुंद्रा को इस धंधे में खींच लाया। मुंबई पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि राज की कंपनी वियान इंडस्ट्री इस बात के लिए भी पैसा खर्च करती थी कि ये ना पता लगा सकें कि धंधा आखिर चल कहां से रहा है। राज कुंद्रा ने इसके लिए बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था लेकिन फरवरी में हुई कुछ गिरफ्तारियों के बाद राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई और उन्हें अभी पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया। जब एप्लीकेशन हॉट शॉट्स की वजह से राज कुंद्रा गिरफ्तार हो सकते हैं तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि कुछ ऐसा ही कंटेंट ऑल्ट बालाजी पर गंदी बात और भी बहुत सारी वेबसाइट्स में एकता कपूर भी दिखाती हैं। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज कुंद्रा के बाद अगली बारी एकता कपूर की है। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। अरे तू मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं, अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं
तो आज ही कॉन्टैक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।